से विकास हुए हैं। यहाँ पे जो महादलित का टोला है वहाँ पे खैबर ब्लॉक का कार्य हुआ है, जितौरा में नली गली का कार्य हुआ है, गोकुल टोला में पुलिया का निर्माण हुआ है, रटू टोला में छठ घाट का निर्माण हुआ है, और अभी बरसात के मौसम के चलते काम बाधित है और फिर से जो काम बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे रूबरू होती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और समाधान करने की कोशिश करती हूँ। करने लायक नहीं है उनके वरीय पदाधिकारी से बात करके उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करती हूँ। सुरक्षा के लिए मैं पदाधिकारी से सुरक्षा बल का मांग की हूँ और अपने तरफ से सीसी कैमरा की भी व्यवस्था की हूँ ताकि लोग निगरानी में रहें। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दूसरे ब्लॉक में जो नाम जुड़ा है वो अपने ब्लॉक में करवा कर लोगों का राशन का लाभ दिलवाएंगे। उन नई बाबुओं से भी नहीं मिली हूँ, मैं उनसे जाकर रूबरू होंगी और उनका नाम जो फार्म ख में है वो भरा जाएगा, उनका नाम जुड़वाया जाएगा राशन कार्ड। भोजपुर के पीरो प्रखंड अंतर्गत जितौरा पंचायत की मुखिया कुमारी अपर्णा सिन्हा ने बताया कि हमें अपने पंचायत का हर तरह से विकास करना है और हमने अपने पंचायत के सर्वांगीण विकास के लिए हर पहलुओं को बड़ी बारीकी से देखा है। समय समय पर वे हर तरह के कार्यक्रमों में भाग लेती है एवं प्रोत्साहन के लिए जगह जगह पहुँचती है। दुख सुख की घड़ी में भी अपनी जनता से मिलती रहती है, उनसे बात करते रहती है। जब हमारी विशेष बातचीत जितौरा पंचायत की मुखिया कुमारी अपर्णा सिन्हा से हुई तो उन्होंने त्योहारों की बधाई देते हुए अपने पंचायत की बहुत सारी बातों को बताया। आइए सुनते हैं वे क्या कहती हैं और कैसे अपने पंचायत का विकास करना चाहती हैं। मैडम जी, ये त्योहारों का महीना चल रहा है, ऐसे में लोग काफी उत्सुक रहते हैं और त्योहार को लेकर के उनकी उत्साह भी बढ़े रहते हैं, आप अपनी जनता को क्या कहना चाहेंगे ऐसे में? सभी दर्शकों को नमस्कार है, हम सभी पंचायतवासियों को नमस्कार। दशहरा, दीपावली, भाई दूज एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जी, आपको जीते इतना दिन हो गया, जनता भी उम्मीद लगा रखी है, ऐसे में आप अपनी पंचायत का विकास का स्तर कैसे देखती हैं, क्या विकास? पंचायत में बहुत से विकास हुए हैं। यहाँ पे जो महादलित का टोला है वहाँ पे खैबर ब्लॉक का कार्य हुआ है, जितौरा में नली गली का कार्य हुआ है, गोकुल टोला में पुलिया का निर्माण हुआ है, रटू टोला में छठ घाट का निर्माण हुआ है, और अभी बरसात के मौसम के चलते काम बाधित है और फिर से जो काम बाकी है उसको पूरा किया जाएगा। नहीं, चूँकि सरकार ने ये महिला सीट आरक्षित कर दिया था, ऐसे में आप महिला मुखिया भी जीती हुई हैं, तो जब जनता समस्या लेकर आती है, बहुत सारे जगह ऐसे सुनने को मिल रहा है कि मुखिया पति ही हैंडल करते हैं, कैसे हैंडल होता है समस्याओं का? ऐसा नहीं है, जितने भी लोग आते हैं मैं उनसे रूबरू होती हूँ, उनकी समस्याओं को सुनती हूँ और समाधान करने की कोशिश करती हूँ, और जो समाधान करने लायक नहीं है उनके वरीय पदाधिकारी से बात करके उनके समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। जी, अभी तो जैसे दशहरा नज़दीक में है और इसमें क्या होता है कि एकाएक भीड़ हो जाता है और ऐसे में सुरक्षा बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था है आपके यहाँ? यहाँ पूजा की सुरक्षा के लिए मैं पदाधिकारी से सुरक्षा बल का मांग की हूँ और अपने तरफ से सीसी कैमरा की भी व्यवस्था की हूँ ताकि लोग निगरानी में रहें। मैडम जी, एक समस्या देखने को ज़्यादा मिल रही है, जो राशन कार्ड है मूल आवश्यकता बन गया है गरीबों के लिए, और उसमें भी बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, किसी का नाम नहीं जुटा, किसी का कहीं और नाम जुट गया, इसको लेकर के क्या बात हुई आपकी? मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात की हूँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही दूसरे ब्लॉक में जो नाम जुड़ा है वो अपने ब्लॉक में करवा कर लोगों का राशन का लाभ दिलवाएंगे। एक चीज़ और समस्या देखने को मिल रही है, जैसे कुछ नए बहुए आ गए हैं उनका नाम जुड़ना, या कुछ परिवार के सदस्य हैं जिनका नाम नहीं जुट पाया है, वो लोग भी परेशान हैं, तो वो लोग क्या करें, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उन नई बहुओं से भी नहीं मिली हूँ, मैं उनसे जाकर रूबरू होंगी और उनका नाम जो फार्म ख में है वो भरा जाएगा, उनका नाम जुड़वाया जाएगा राशन कार्ड। जो परिवार के सदस्य जिनका नाम नहीं जुट पाया उनके लिए, वो भी अपना फार्म भर के और राशन कार्ड में नाम जुड़वा लें। जी,
अपना परिचय बता दीजिए। कुमारी अपना सीना मुखिया ग्राम पंचायत जीतोरा जंगल नहर।